नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश क्लासेज में। इस क्लास में हम लोग पैसिव कंस्ट्रक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातें देखी थी कि एक्टिव वॉइस किसे कहा जाता है, पैसिव वॉइस किसे कहा जाता है, प्रोनाउन का चेंजमेंट कैसे किया जाता है, कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जिनका एक्टिव बन ही नहीं सकता, एक्टिव से पैसिव बन ही नहीं सकता। उनमें से एक पॉइंट पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, वो पॉइंट ये था कि जहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पैसिव नहीं हो सकता, यानी कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी पैसिव वॉइस्ड, और ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। पार्ट थर्ड में हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था, वो सेंटेंस आपके सामने ये है कि रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। सेंटेंस बेटा आपके सामने है, रेहान डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। इस सेंटेंस में सबसे पहले आपके सामने सब्जेक्ट है रेहान, और फिर डिड नॉट प्लक ये इसकी वर्ब हुई और फ्लावर्स इसका ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपको देखना होता है कि हम लोगों को सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, उसमें हम लोग लिखेंगे फ्लावर्स। अब ये प्लूरल रहा, जहां पे डिड नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग वॉज वर्ब प्लस नॉट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तब हम लोगों को लिखना होता है फ्लावर्स के साथ वर्ब। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह बतानी थी कि अगर डिड के साथ नॉट है तो आपको वॉज वर्ब के साथ भी नॉट का प्रयोग करना है। पार्ट थर्ड में हम लोग इस नॉट को नहीं लगा पाए थे, इसलिए मैंने इस सेंटेंस की चर्चा की है। तो बेटा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात पे जरूर फोकस करना कि सेंटेंस में नॉट का प्रयोग 100% होगा। तो फ्लावर्स वर नॉट प्लक्ड बाई रेहान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा बिंदु, हमारा पॉइंट ये रहेगा कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर और इसके साथ आईएनजी फॉर्म है तो हम लोगों को वापस उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। कहने का मतलब ये कि इज एम आर में से एक का प्रयोग होगा, और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग होगा, और आई है तो एम का प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सारी बातें बताई जाती हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, वही बात यहां लागू होती है। अब हम देखते हैं इन सब बिंदुओं को। आप देखना, अगर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में है तो वापस इज एम आर प्लस बींग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में होगी। फिर दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म अगर आपके सामने एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आगे चलिए वॉज वर प्लस बींग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बस छोटी सी बातें हैं, आसान सी एग्जाम्पल हैं, जरूरत है तो आप लोगों को अपना ध्यान आकर्षित करने की, बस तमाम बातें आप समझ पाओगे। देखना, मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल से ये सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ रखिएगा और फिर देखना समझ पाओगे ठीक तरीके से। सी इज बीटिंग हर डॉग। बेटा गौर से देखना इन सब बातों को, बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, सी इसका सब्जेक्ट हुआ, इज बीटिंग इसकी वर्ब हुई और हर डॉग इसका ऑब्जेक्ट हुआ। आम तौर पे ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और वैसा ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता है तो मैंने कहा था आप लोग वर्ब से दो सवाल पूछिए, पहला सवाल होगा व्हाट और दूसरा सवाल होगा हुम। अगर व्हाट का रिप्लाई आता है तो ये मान लीजिए आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं, और हुम का रिप्लाई आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कर रहे हैं। अब देखना आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में ये पूछा था कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल जरूर बताएं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो, मैं उस बच्चे को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। बेटा आप इस बात का ध्यान रखना,
फोर्थ वीडियो आज है, फोर्थ पार्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन का आज है। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट के अंदर ऐसा सेंटेंस आपको बहुत शानदार तरीके से एक नहीं अनेक सेंटेंस समझा दिए जाएंगे। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने की, सभी बातें आपको बता दी जाएंगी। आप देखना, सी इज बीटिंग हर डॉग, सी इज बीटिंग हर डॉग। मैंने बेटा आपको एक बात बताई थी कि इज एम आर प्लस आई एन जी अगर एक्टिव वॉइस में है तो आपको ध्यान रखना ये करना है। आप देखे पहले सेंटेंस को, इज एम आर में से आपके सामने इज लिखा हुआ है, इज एम आर में से आपके सामने इज लिखा हुआ है और बी ई ए टी बीट में आई एन जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये तो इज एम आर में से इज हुआ और ये आई एन जी फॉर्म हुई। अब बताइए आपको ये बात समझ में आ रही है सेंटेंस वाली, ये इज रहा ये आई एन जी रहा। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो आप इस बात का ध्यान रखें आपको वापस उसी इज एम आर में से वर्ब का प्रयोग करना होता है। आप एक एग्जांपल समझें, बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखना आपके सामने सब्जेक्ट तो रहा सी इज बीटिंग वर्ब और हर डॉग ऑब्जेक्ट। अब हर का एच यहाँ पे कैपिटल है, जब सेंटेंस की शुरुआत में से सब्जेक्ट का काम करना होगा तो ये एच कैपिटल होगा, तो हर डॉग ये सिंगुलर है उसका डॉग, हर डॉग इज, मैंने आपको बताया था वापस इज एम आर प्लस बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हर डॉग सिंगुलर है इसके साथ इज। उसके बाद देखो बीइंग का प्रयोग करना है जो हम लोगों ने यहां लिखा हुआ है इज एम आर बीइंग, तो हर डॉग इज बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म आपके सामने बेटा बीटन, हर डॉग इज बीइंग बीटन। उसके बाद में बाई हर आएगा, हर क्यों आएगा क्योंकि यहां पे सी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पे सी किसका काम कर रहा है बेटा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सी का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो हर डॉग इज बीइंग बीटन बाय हर। आप एक बार फिर से सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, आसान तरीका है। सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है सी इज बीटिंग हर डॉग, मैंने कहा अगर आपके सामने इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो ये देखना इज है आपके सामने और बीट में आई एन जी है तो इज एम आर में से एक होगा, ऑब्लिक लगा हुआ है कोई एक होगा उसके साथ आई एन जी फॉर्म होगी, तो इज प्लस आई एन जी तो सी इज बीटिंग हर डॉग, तो आपके सामने सेंटेंस है सी इज बीटिंग हर डॉग, हर डॉग इसका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाइए, हर डॉग इज क्योंकि सिंगुलर है तो हर डॉग इज बीइंग। आप देखिए इज एम आर के बाद में क्या लिखा हुआ है बीइंग, तो इस बीइंग को लिखना पड़ेगा तो हर डॉग इज बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म होगी बीटन, उसके बाद बाई लगाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर हर लिखा जाता है। आपको इस प्रकार के सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत है कोई समस्या है तो आप मुझे निश्चित रूप से पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, सिर्फ और सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए या फिर आप पर्सनल नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में ऐसी बातें बता दी जाएगी, आपको हर तरह से संतुष्ट कर दिया जाएगा। आप देखना अगला एक और सेंटेंस आपके सामने मैं लिखता हूं और देखना आपके सामने एक आसान सा सेंटेंस है बेटा, इसी इज एम आर से रिलेटेड, उसमें आई एन जी फॉर्म भी होगी, किस प्रकार से उसे चेंज किया जाता है ये सारी बातें आपको समझा देता हूं। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेघा इज कुकिंग फूड, मेघा इज कुकिंग फूड। बेटा गौर से देखना इन सब चीजों को, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने मेघा है और इज कुकिंग इसकी वर्ब है। आप एक बात ध्यान रखना इज और कुकिंग अलग अलग नहीं मान सकते क्योंकि इसमें ये बात क्लेरिफाई नहीं की गई है कि हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करनी होती है या मैन वर्ब की, तो आप देखना इज कुकिंग पूरा एक साथ वर्ब का काम करेगा, उसके बाद में आप देखना फूड
ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, वही बात है, वर्ब के ठीक बाद में आपको जो कुछ मिले वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आप इससे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैंने कहा था वर्ब से दो सवाल पूछिए आप बेटा, अगर उनका जवाब आता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब बहुत आसान सेंटेंस है, चलिए इसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है मेघा इज कुकिंग फूड, तो आपको देखना होगा ऑब्जेक्ट इसके लिए होगा फूड, ऑब्जेक्ट हुआ फूड, उस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया सब्जेक्ट पे। अब आप देखना फूड सिंगुलर है, वही बात है इज एम आर में इज मिल रहा है, कुकिंग का आईएनजी मिल रहा है, मैंने कहा था इज एम आर प्लस आईएनजी हो तो इज एम आर प्लस बीइंग और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील करना होता है, तो फूड के लिए इज आएगा तो फूड इज बीइंग कुक्ड, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय मेघा। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप देखना मेघा इज ए कुकिंग फूड, मैंने कहा था अगर एक्टिव वाले पार्ट में इज एम आर प्लस आई एन जी हो तो पैसिव वाले पार्ट में हम लोगों को वही इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो इज, प्लुरल है तो आर और आई है तो एम, उसी इज एम आर का प्रयोग करना होता है। तो फूड इज ए बींग, सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में फूड है, ये सिंगुलर हुआ तो इज का प्रयोग किया, आगे हम लोग को देखना है कि इज एम आर के बाद बींग है तो फूड इज बींग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद बाई और फिर मेघा। इसका मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, फिर हम लोगों को मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है बेटा, और उसके बाद में हम लोगों को बाई का प्रयोग करना होता है, और अंत में हम लोगों को ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर आपका कुछ सेंटेंस में रह जाता है तो आप लोग एडवर्बियल टाइप कुछ रहता है तो आप उसे अंत में लिख सकते हैं। ये अगर इन चीजों को आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं। मैंने फॉर्मूला के रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट की चर्चा की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में बताया, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ रहता है तो आप लोग ध्यान रखना, ये अंत में लिख देना। अब हम लोगों ने इज एम आर प्लस आई एन जी वाले सेंटेंस की चर्चा की है, अब नेक्स्ट टेंस होगा पास्ट का, यानी कि इसी से रिलेटेड सेम पैटर्न है, लेकिन बात यह है कि अब ऊपर वाले में तो प्रेजेंट की बात चल रही थी, नीचे वाले में हम लोग पास्ट की बात करते हैं। अब से पहले इज एम आर पे चर्चा हो रही थी और अब के बाद हम लोग वॉज वर्ब पे चर्चा करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस आपका ये है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस आपका लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने बेटा दे है और वर प्लेइंग इसकी वर्ब है, क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको एक बात कई बार बता दी, वो ये है कि आमतौर पे ऐसा होता है कि वॉज वर के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जो कुछ मिले वो 99% चांस होता है कि ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। अगर आप इस बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है तो मैंने आपको बताया कि वही पुराना तरीका, वर्ब से दो सवाल पूछिए, अगर व्हाट का रिप्लाई आता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और हुम का रिप्लाई आता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आपको वही तरीका अपनाना है जो बहुत आसान है। अब देखना हम लोगों को ऑब्जेक्ट उठाना है और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है क्रिकेट। अब देखना दे के साथ वर आ रहा है, आप गौर से समझना इस बात को, मैंने कहा था वॉज वर प्लस आई एन जी है तो वापस वॉज वर बींग मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आप देखना क्रिकेट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आना चाहिए या वर, क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज का यूज होगा। थोड़ी देर पहले ऊपर वाले सेंटेंस में वर था, कोई बच्चा इस बात को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दे प्लूरल है
प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ वर का प्रयोग होगा, और क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। तो क्रिकेट वॉज। अब बींग का प्रयोग करना होता है, आप देखना वॉज वर बींग, तो वॉज या वर में से हम लोगों ने वॉज का प्रयोग किया, वर रह जाएगा। अब इसके बाद आ रहा है बींग, तो क्रिकेट वॉज बींग, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। फिर बाई का प्रयोग करना होता है और अंत में लिखेंगे ऑब्जेक्ट देम। क्या आप मेरी बातों को ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं? इस सेंटेंस को एक बार दोबारा देखना, सेंटेंस आपका ये है दे वर प्लेइंग क्रिकेट। बेटा लिखा हुआ है दे वर प्लेइंग क्रिकेट में दे इसका सब्जेक्ट हुआ, वर प्लेइंग इसकी वर्ब हुई और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद ये सिंगुलर है तो वॉज लिखा, सिंगुलर है तो वॉज लिखा, उसके बाद बींग का प्रयोग करना होता है और लास्ट में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। अगर ऐसे सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और सेंटेंस आपको मैं समझाता हूं, उसके बाद प्रेजेंट के इज एम आर प्लस आई एनजी वाले सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉज वर और आई एनजी वाले सेंटेंस में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब एक और सेंटेंस आप देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है रघु वॉज प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। रघु वॉज प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब इस सेंटेंस में मैंने एक और चीज ऐड कर दी है, वो एक और चीज एडवर्ब है जिसे एडवर्बियल कहा जाता है। अब आप देखना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है वह सेंटेंस के लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बाद बींग वगैरह लगता है, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और बाई का प्रयोग लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो लास्ट में लिखा जाता है। इस ऑब्जेक्ट के बाद में इस बार फ्रॉम द गार्डन बचता है, इसे हम लोग सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। आपको मैं ये सेंटेंस समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करें, देखना। और एक बात और बता देता हूं कि इसका मतलब यह कि आप एकदम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो कहीं पर भी गलतियां होने की संभावना नहीं है। आप इस सेंटेंस को समझे, पहले इसके पार्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ बेटा रघु, और रघु के बाद हम लोगों को वॉज प्लकिंग वर्ब है, और इसके बाद फ्लावर्स इसका ऑब्जेक्ट है, और फ्रॉम द गार्डन इसका एडवर्बियल है, फ्रॉम द गार्डन इसका एडवर्बियल है। आप एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, और आपसे अगर कोई रास्ता पूछना भी चाहे तो बिल्कुल आप सही तरीके से बताना, सही तरीके से समझाने की कोशिश करना। मान लो अगर आप लोग, हम लोग राजस्थान से बिलोंग करने वाले हैं नॉर्मली, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, हिंदी बोलने का प्रयत्न करते हैं, तब एक दो शब्द ऐसे हैं जो हमारे श्रीमुख से या मुखमंडल से मारवाड़ी के अपनी मातृभाषा के निकल जाते हैं, मदर टंग के निकल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा ही कोई फ्रेंड बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, और बाहर से आए किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि हम लोगों को अलसीसर महल जाना है। तब उन्होंने कहा आप यहाँ से सीधे जाओगे, एक गली राइट साइड में आएगी, वहाँ आपको नहीं मुड़ना है, फिर और आगे निकलोगे एक लेफ्ट साइड में गली है, वहां भी आपको नहीं मुड़ना है, आप आगे चलते जाना, फिर राइट साइड में गली है, वहां भी आपको नहीं मुड़ना है, फिर आगे चलना, आप फिर लेफ्ट साइड में गली पाओगे, उस गली में तो आपको बिल्कुल ही नहीं मुड़ना है, और आगे चलोगे 10 मीटर तब एक गली लेफ्ट साइड में होगी और एक राइट साइड में होगी, तो आप यहां से सीधे निकलोगे, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, सीधे निकलोगे, फिर
इनन मुड़ जाना, इसका मतलब ये है कि ऐसी बातें हम लोगों के मुख से निकलती रहती हैं, यहां से जाओगे इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, इनन मुड़ोगे मुड़ते इस सामने, इसका मतलब ये है कि अलसीसर महल है वहां आपको जाना होगा। कहने का मतलब ये है अगर आपसे कोई रास्ता पूछे तो आप सही तरीके से उसे बता पाओगे। आप देखने की कोशिश करें, मैं आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट बताया मैंने रघु, वॉज प्लकिंग इसका वर्ब हुई, और फ्लावर्स इसका ऑब्जेक्ट हुआ, फ्रॉम द गार्डन इसका ये एडवर्बियल हुआ। तो आप देखना सबसे पहले फ्लावर्स प्लूरल है, इसके साथ आएगा वर, फ्लावर्स वर, उसके बाद में हम लोग को यूज करना है बींग का, फ्लावर्स वर बींग प्लक्ड बाई रघु, फ्लावर्स वर बींग प्लक्ड बाई रघु। अब क्या बच गया, फ्रॉम द गार्डन फ्लावर्स वर बींग प्लक्ड बाई रघु फ्रॉम द गार्डन। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, वो ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हमने फ्लावर्स प्लूरल है तो इसलिए वर आया, वर के बाद में हम लोग को बींग लगाना है, हमने बींग लगाया, उसके बाद मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म लगानी थी वो लगाई, फिर बाय लगा के ऑब्जेक्ट लिखा, जो बच गया उसको लास्ट में लिख दिया। अगर इन सेंटेंसेज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और एक बात बता देता हूं, बहुत से बच्चों को मैंने पहले भी कहा था, बेटा एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी YouTube पे वीडियो देख रहे होते हैं तो उस वीडियो देखते समय राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन आता है, आप उस बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि उसके ठीक आगे एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आपके पास सही समय पर पहुंच सके, ताकि आपकी स्टडी का किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। अब इससे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके ये तमाम बातें पूछ सकते हैं, और लगातार हमारे साथ इंग्लिश क्लासेज में जुड़े रहिए। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और क्लास लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंप्लीट वीडियोज के, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।